भारत एक काम करो, वीटो छोड़ो, हम तुम्हें F-16 देंगे, तो वहीं फ्रांस और ब्रिटेन का लाइसेंस रद्द करना बेकार साबित हो गया। साथ ही भारत की कॉपी करने के चक्कर में पाकिस्तान पर ही धड़ाधड़ बैन लगा दिए गए हैं। ये तो आप जानते हैं कैसे अमेरिका ने वीटो को लेकर पांसा फेंका है, जिसमें UN सीट तो मिलेगी पर वीटो की पावर नहीं मिलेगी। ये तो वही बात हो गई, आप किसी देश को F-35 फाइटर जेट दे रहे हो पर उसमें एक भी मिसाइल ना लगी हो। बस अमेरिका यही करने में लगा है, तो अब वीटो नहीं तो F-16 से खुश करने की तैयारी है। दरअसल US पैसिफिक एयरफोर्स के पूर्व मेजर जनरल डेविड AP फेरेरियो ने भारत को F-16 फाइटर जेट देने की प्रस्ताव रखा है, जहां उन्होंने कहा है कि इससे भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनने में मदद मिल सकेगी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत को F-16 फाइटर जेट ऑफर किया हो, लेकिन भारत ने इसे अब तक स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि F-16 को अमेरिका ने पाकिस्तान, तुर्की, साउथ कोरिया, ताइवान और भी कई उसके सहयोगी देशों को बेच चुका है, और वहीं हाल ही में यूक्रेन को भी F-16 का एक बैच मिला है, जिसमें से एक तो अभी क्रैश भी हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि यह हर जगह मौजूद है। वैसे इसकी खासियत की बात करें, बालाकोट की एयर स्ट्राइक में भारत के अभिनंदन नहीं F-16 को ही मार गिराया था, जिसके सबूत देने पर भी पाकिस्तान ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। अब अमेरिका का जेट गिरा हो और वो दुनिया के सामने आ जाएगा तो भैया उसे कौन ही लेगा कि सोवियत एरा के MiG-21 बाइसन ने ये कारनामा कर दिखाया है। वैसे ये एक वजह नहीं है F-16 खरीदने की। दरअसल अमेरिका अक्सर दूसरे देशों को इन विमानों को कम शक्तिशाली वर्जन ही देता है, ताकि असली ताकत उसके पास ही मौजूद रहे, और अमेरिका अपने हथियारों में इतनी शर्त जोड़ देता है कि ये भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वजह है कि भारत अपनी स्वदेशी तकनीक जैसे तेजस पर ध्यान दे रहा है, लेकिन अभी इसके इंजन यानी कि GE के F414 इंजन मिले नहीं है, जिससे भारत को इसमें देरी हो रही है। मतलब अमेरिका ये सोच रहा है कि इंजन के बदले पूरा प्लेन ही भारत को सौंप दिया जाए, ताकि भारत पूरी तरह से अमेरिका पर ही निर्भर हो जाए। वैसे अब भारत पाकिस्तान की तरफ नहीं बल्कि चीन पर ध्यान दे रहा है, तभी वो F-35 जैसे उन्नत विमानों पर अधिक रुचि रखता है। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका आखिर में चाहता क्या है? वीटो उसे देना नहीं है और विमान का ऑफर कर रहा है जो भारत के किसी काम का नहीं है? क्या अमेरिका को भारत की ग्रोथ बर्दाश्त नहीं हो रही है? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये इसराइल से जुड़ी हुई है, जहां हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कैसे भारत इसराइल को हथियार एक्सपोर्ट करके कारगिल का कर चुकाने में लगा है, जिसमें देश के कुछ चुनिंदा लोग इसका विरोध भी करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया था। ऐसा ही कुछ यूरोप करने में लगा है, जहां फ्रांस से इसराइल की 74 कंपनियों को आने से ही रोक दिया, तो ब्रिटेन ने 30 वेपन लाइसेंस को ही सस्पेंड कर दिया है। वैसे इन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अमेरिका ने यूरोप की पूरी कोशिश पर पानी फेर दिया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने इसराइल के लिए हथियारों की एक बड़ी डील पर मोहर लगा दी है। मतलब दुनिया भर में जारी विरोध के बावजूद अमेरिका की ओर से लगातार इसराइल को सैन्य सहायता मिल रही है। बता दें कि अमेरिका ने इसराइल को हैवी ड्यूटी टैंक ट्रेलर्स के लिए $165 मिलियन के हथियार बेचने के लिए मंजूरी दी है। हालांकि इसराइल को इन हथियारों की डिलीवरी साल 2027 तक ही हो पाएगी। इसमें स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर पार्ट्स के साथ ही साथ टूलकिट, टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल होगा। यही नहीं, अमेरिका ने इसराइल के लिए $20 बिलियन के F-15 फाइटर जेट की डील को मंजूरी दी थी। कुल मिलाकर यहाँ फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही अमेरिका के तगड़े सहयोगी हैं, पर इन्होंने इसराइल पर भर भर का बैन लगाए हैं। पर भारत और अमेरिका के इस फैसले से इन सबके बैन धरे के धरे रह गए हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जिसमें उसको भारत की कॉपी करना ही भारी पड़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत लगातार अपने रॉकेट और मिसाइलों का परीक्षण करने में लगा है, और उसी की देखा देखी में पाकिस्तान अपनी Shahed-3 मिसाइल को फोड़ने में लगा है। लेकिन उसके ऐसा करते ही अमेरिका ने पाकिस्तान के सारे पटाखों पर ही बैन लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को मदद करने वाले 5 कंपनियों और एक व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, और ये प्रतिबंध इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान को मिसाइल बनाने के लिए जरूरी सामान और तकनीक दी है। वहीं अमेरिका ने चीन की एक कंपनी RIAMB पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि इसने पाकिस्तान की एक कंपनी NDC के साथ मिलकर मिसाइल बनाने के लिए जरूरी उपकरण बना रही थी, और ये उपकरण पाकिस्तान की Shahed-3 और अबाबिल मिसाइलों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन इनका इस्तेमाल बड़े मिसाइलों के लिए भी हो सकता था। यहाँ अमेरिका का ये मानना है कि चीन की ओर से पाकिस्तान को दी जा रही तकनीकें क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। वहीं एक और अमेरिका पाकिस्तान की आर्थिक मदद भी कर रहा है, दूसरी तरफ उनके पटाखों पर भी बैन लगा रहा है। यानी कि अगर तुम
चीन अमेरिका दोनों के साथ रहना चाहते हो, दो नाव की सवारी करने के चक्कर में हो, तो बैन के लिए भी तैयार रहो। जहां भारत का डीआरडीओ अपनी स्वदेशी क्षमता से दुनिया का मुंह बंद करने में लगा है, वहीं पाकिस्तान के पटाखे दिवाली से पहले ही मुरझाने लगे हैं। यहां आपको क्या लगता है, अमेरिका कभी कभी भारत के लिए भी काम कर देता है या इसमें भी उसका ही हित छुपा हुआ है?